हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू पार्टिसिपेट्स इन एमबाइब ऑनलाइन टेस्ट फॉर द क्लास ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ। एज यू नो, नाइन्थ एंड टेंथ क्लास स्टूडेंट गॉट यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम द स्कूल एंड हाउ टू यूज दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन एमबाइब पोर्टल टू अपेयर इन ऑनलाइन टेस्ट। बेटा, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको केवल टाइप करना है kvs.mbibe.com। कोई भी वेब ब्राउजर आप ओपन करिए, वहाँ पे आपको टाइप करना है इस ऑनलाइन टेस्ट में अपेयर होने के लिए kvs.mbibe.com, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है। अगर आप देखेंगे तो आपको दो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, एक पेरेंट्स के लिए मिला होगा और एक स्टूडेंट के लिए। आपको क्या करना है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, अपनी क्लास सेलेक्ट करिए। जैसे नाइन्थ और टेंथ के बच्चों के लिए हमने यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट ग्रेड 2 to 10 यहाँ पे सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मैं सेलेक्ट करता हूँ। सपोज कर लीजिए, ये किसी बच्चे की यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसको यूज़ करने के बाद किस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर अपेयर होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन किया। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जिसमें आपने प्रीवियस एग्ज़ाम अगर कोई अपेयर हुए हैं या अटेम्प्ट किया है तो उसका आपको पूरा स्कोर दिखाएगा यहाँ पे। और अगर आपको कोई कंटेंट्स देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, लर्न पे जाएंगे तो यहाँ पे लर्न पे जाके आप जो जो आपके सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, आप जो भी सिलेबस देखना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे एरिया एंड पैरामीटर पे क्लिक किया, एरिया ऑफ पैरामीटर एंड ट्राइंगल पे इस पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका आ गया। आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी दे रखा है 2 अटेम्प्ट लेफ्ट, इस तरीके से आपका हर बच्चे का दिखाएगा। मैं यहाँ पे इस बच्चे का भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी हमें डिस्कस करना है कि ऑनलाइन टेस्ट जो आपको अभी अटेम्प्ट करना है वो किस तरीके से करेंगे। तो आपको टेस्ट वाले सेक्शन पे आपको जाना है। जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके देखिए आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट। असेसमेंट आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, रिवीजन भी आपको देना है, बट रिवीजन एंड मॉक टेस्ट आपके लिए ही होगा। असेसमेंट आपका रिफ्लेक्शन होगा जिसके अंदर आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको चेक कर सकता है। तो आप असेसमेंट पे जाएंगे, जैसे ही असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सब्जेक्ट। सेलेक्ट सब्जेक्ट में आप मैथमेटिक्स और साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट्स के टेस्ट आपको देना है। सपोज कर लीजिए मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मैथमेटिक्स के अंदर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी आपको पार्टिसिपेट्स करना है टेस्ट टू के अंदर। तो टेस्ट टू के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद ये इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह है। यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट, देन आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए डिस्प्ले होने वाला है। ये क्वेश्चन आ गए, आप यहाँ पे देखिए इस टेस्ट के अंदर टोटल आपके 61 क्वेश्चन है। आप अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के साथ, और आप देख लीजिए क्या आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा अगर आपको अटेम्प्ट करना है साइंस का, तो यहाँ पे असेसमेंट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साइंस का। जैसे ही साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी साइंस का कौन सा टेस्ट सेलेक्ट करना है, टेस्ट टू, क्योंकि टेस्ट वन ऑलरेडी हो चुका है। आप देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं, बट अभी आपको टेस्ट टू अटेम्प्ट करना कंपलसरी है सभी बच्चों को। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस आ गई है, जो भी आपके दे रखा है। इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप टेस्ट असेसमेंट कर लीजिए, और लास्ट में सबमिट टू टीचर कर दीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपके 58 क्वेश्चंस है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, इसमें से जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो देन नेक्स्ट कर दीजिए आप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एमबाई पे जो अभी ऑनलाइन टेस्ट आपका होने जा रहा है उसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करना है आपको। और माई प्रोग्रेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा आपका प्रोग्रेस बार, जिसके अंदर चार्ट के फॉर्मेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, एरर्स, ये टाइम स्पेंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं। और ऐसे ही 12th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के बच्चों को भी यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया है। तो 12th क्लास वाले बच्चे क्या करेंगे, जब यूजर नेम और पासवर्ड यूज करने के बाद यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट ग्रेड 11 एंड 12, इस पे क्लिक करने के बाद जो यूजर नेम और पासवर्ड उनको मिला है उसको यूज करने के बाद वो भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो बस ये बहुत सिंपल सा है। तो अभी हमने डिस्कस किया कैसे आप एमबाइब ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी देख के अपने एमबाइब टेस्ट में अपेयर हो सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एमबाइब पोर्टल पे आप अपने सब्जेक्ट्स के करिकुलम को एक्सप्लोर कर सकते हैं 9th, 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए।
मुझे ये पोर्टल काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी टेस्ट सीरीज दे रखी हैं और कंटेंट्स भी दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। और इसी टाइप के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ग्रासमिन पाइथन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।